हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे ब्लाउज लटकन बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। बहुत ही कम टाइम में आप इसे बना सकते हैं। देखिए, दो पीस में कट कर लेंगे 5 इंच लंबाई चौड़ाई में चारकोर कपड़ा। तो यहाँ पे दोनों साइड का लटकन के लिए दो पीस आपको कंट्रास्ट में, आपका जो भी ब्लाउज में कंट्रास्ट कलर हो उस कलर का ले लेना है। फिर यहाँ पर रुई लेंगे यानी कॉटन लेंगे। कॉटन को इस तरह से खींच खींच के पहले उसको लूज कर लेंगे। फिर इसमें गोलाई देते हुए ये जो 5 इंच लंबाई चौड़ाई में चारकोर कपड़ा, इसके उल्टे साइड इसको रख लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से रख के आपको अच्छे से दबाते हुए एकदम गोलाई का शेप दे देना है। देखिए, चारों तरफ से दबा करके कहीं भी कपड़े में यहाँ पे प्लेट नहीं दिखना चाहिए। एकदम क्लीन कर लेना है आपको गोलाई देते हुए। और आपको यहाँ पे सेम कलर का धागा लेना है इस पोटली को बांधने के लिए। थोड़ा सा बड़ा पोटली आपको बनाना है और इस तरह से 3 से 4 बार रिपीट करके इसको अच्छे से टक कर लेंगे। और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ करके बाकी को कट कर लेंगे, यानी 1/2 इंच आपको छोड़ देना है। फिर से यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 5 इंच लंबाई चौड़ाई में चारकोर कपड़ा लेंगे। ये वाला कपड़ा अस्तर का कपड़ा है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे एकदम अच्छे से मिलाते हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मैं फोल्ड कर ली हूँ। हल्का सा राउंड देते हुए जो इसका नोक का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छांट लेंगे, यानी आपको एकदम गोल सर्कल में इसको कट कर लेना है। यहाँ पर कट करने के बाद से इसको सीधा करके देखेंगे तो हल्का सा कहीं कहीं यहाँ पे कॉर्नर दिख रहा है, तो उसको छांटेंगे। फिर से एक बार फोल्ड करेंगे तो इसको बस 4 लेयर में ही फोल्ड किए हैं। और कहीं भी कम ज़्यादा लग रहा है उसको बराबर कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो कोई भी गोलाई वाला पार्ट हो आपके पास, या फिर आप टिप जो ढक्कन होता है बड़ा वाला टिफिन का, उससे भी बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, इसी को रख करके दो पीस और कट कर लेंगे। अस्तर वाला ही पीस कट करेंगे क्योंकि दोनों साइड के लटकन के लिए आपको राउंड में 3 पीस कट करना होगा। तो यहाँ पे मेरा देखिए 3 पीस कट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको बीच से फोल्ड करके कट कर लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं एक में से 2 पीस बनाई हूँ बीच से कट करके। अब यहाँ पर साड़ी का जो मेन कपड़ा होता है ना, जो साड़ी से ब्लाउज पीस निकलता है, उसके ऊपर यानी उसके सीधे साइड यहाँ पर जो अस्तर वाला पार्ट कट किए उसको रखेंगे और नीचे की साइड से एक चाप कपड़ा मार्जिन में दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद से आपको एक्स्ट्रा पार्ट को छांट देना है कुछ इस तरह से। छांटने के बाद से नीचे के साइड ना छोटा छोटा कट लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरह से छोटा छोटा कट लगाने के बाद से ना, अब इसको पलट के सीधा कर लेंगे। पलट के सीधा करने के बाद से ना, अंदर के साइड आपको उंगली करके अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है। फिर दूसरा पीस लेंगे और बिल्कुल उसी तरह से मेन कपड़े के सीधे साइड इसको रखेंगे और जो इसका नीचे का राउंड है बस उसको स्टिच कर लेंगे सिंपली एक चाप कपड़ा मार्जिन में दबाते हुए। तो देखिए, स्टिच करने के बाद से उसे भी पलट के सीधा कर लेंगे। देखिए, दूसरा पीस भी इसी तरह से स्टिच करके छांट लेंगे और इसमें भी आपको ना नीचे की साइड छोटा छोटा कट लगा देना है ताकि अच्छे से पलट के सीधा हो जाए। देखिए, पलटने के बाद से ना एकदम अच्छे से इस तरह से उंगली से दबाते हुए आपको इसको बैठा लेना है। पूरे पीस को ना बिल्कुल इसी तरह से तैयार करेंगे। आप चाहें तो 3 लटकन के जगह इसमें 4 भी लगा सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, या फिर सिंगल नीचे के साइड एक पोटली रहेगा और ऊपर के साइड एक ऊपर के साइड जो कपड़ा का लटकन है उसको तैयार करके लगा लेंगे। देखिए, 3 पीस रेडी करने के बाद से इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे और फिर नीचे इसके कॉर्नर पर हम जो ब्लाउज में लेस यूज किए हैं उसी को यहाँ पे लगा रहे हैं। तो आप अपने ब्लाउज के मैचिंग के अकॉर्डिंग जो भी लेस उसमें मैच कर रहा उसके हिसाब से आपको इसमें लगा लेना है। तो 3 पीस में आपको नीचे के साइड यहाँ पर लेस को लगा लेना है। यहाँ पे देखिए, पूरे पीस को रेडी कर लिए हैं और अब पोटली को लेंगे। जो 1/2 इंच हम मार्जिन इसमें रखे थे ना, उसके अंदर डोरी को डालेंगे और यहाँ से स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से, फिर से एक बार पूरे को एकदम एक पर उंगली से दबा के फिर से स्टिच करेंगे ताकि डोरी इसके अंदर से निकले ना। आप चाहें तो यहाँ पे ना कपड़े का डोरी भी बना के लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे रेडीमेड डोरी यूज कर रही हूँ। यहाँ पे धागा से ना इसको अच्छे से लपेट करके बांध लेना है ताकि यहाँ से धागा ना निकले जो आपका
कपड़ा है ना, यहाँ से काफ़ी धागा निकल रहा है, उसको अच्छे से सेट कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं किस तरह से मैं सेट कर ली हूँ। अब पहले एक लटकन को लेना है जो आप रेडी करके रखे हो, और इस तरह से फोल्ड करके उसको उल्टे साइड से सी लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। यहाँ पे सिलाई करते टाइम ध्यान देंगे कि जितना लंबा ये लटकन बन रहा है उतना गैपिंग छोड़ के आपको पोटली के बाद स्टिच करना है। अब इसको पलट के एक बार देख लेंगे कि सही जगह पे आ रहा है कि नहीं, जहाँ पे पोटली का एंड हो रहा है ना वहाँ तक ही आना चाहिए। तो देखिए सही आ रहा है, तो फिर इसको पलट के उल्टा कर लेंगे, क्योंकि दो पीस और हमें स्टिच करना है। और इसको उल्टा रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दूसरा पीस हमें कहाँ से स्टिच करना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करके सेट कर लेंगे और इसको सी लेंगे, जहाँ तक ये है ना बिल्कुल उसके पास तक चिपका के रखेंगे, और दूसरा पीस भी स्टिच कर लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से आपको ना तीसरा पीस लेना है, और एक दूसरे के बीच में आपको कोई भी गैपिंग नहीं छोड़नी है, एकदम एक दूसरे को चिपका के इसी तरह से रख के स्टिच कर लेना है। यहाँ पे तीनों को स्टिच करने के बाद से पलट के सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद से इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें। और इस ब्लाउज का पीछे का गले का डिज़ाइन का वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा।